कृतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं। एक ऐसा विषय, एक ऐसा शब्द जिसमें से प्रत्येक को गुजरना है, जो प्रत्येक के शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, वृत्तियों का भी नहीं, मात्र शरीर का। वो है मृत्यु। इससे पहले कि हम मृत्यु के विषय की ओर बढ़ें, जाने कि मृत्यु का अर्थ क्या है, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगा। एक बार एक संत होते हैं, उनके पास एक जिज्ञासु जाता है, पहली बार जाता है, बोलता है, महाराज जी आपके विषय में बहुत सुना है, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसी बात बताएं जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। तो इससे पहले कि संत कुछ बोले, वो बोलते हैं, आप इतना वैराग्य वाला, इतना विरक्त जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? क्या आपका मन नहीं करता मैं संसार के सुखों को भोगूं? तो वो संत बोलते हैं कि तुमने तो बहुत गहरा प्रश्न किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं या किसी प्रकार का ज्ञान दूं, मैं तुम्हें एक बात को बताना चाहता हूं। तो जिज्ञासु बोलता है, आदेश महाराज। तो संत बोलते हैं, अब से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो वो व्यक्ति कदाचित घबरा जाता है, पूछता है, महाराज जी क्या आपने जो बोला वो सत्य है या आप मेरे साथ व्यंग कर रहे हैं? तो साधु ने बोला कि मेरे पास तो व्यंग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं ये तुम स्वयं ही जान जाओगे 7 दिन के बाद, परंतु अभी तुमको जो जानना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ता है, बोलता है, महाराज जी कुछ हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है कि मेरी मृत्यु टल जाए? मेरा तो अभी बहुत काम शेष है, मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत निर्भर कर रहे हैं, मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, मेरे बिना भी जी नहीं पाएंगे। तो वो साधु बोलते हैं, नहीं पार्थ, उपाय तो कुछ नहीं हो सकता, तुमको जाना तो है ही, इसलिए जो जो सबसे जरूरी है, जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको तुम कर डालो ये 7 दिन के भीतर। तो वो चल पड़ता है अपने घर, घर जाता है, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और चिंतन करता है, मेरे परिवार का क्या होगा? उसके पुत्र और उसकी पुत्री तो प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, सबके शादी विवाह हो चुके होते हैं, परंतु यह स्वयं अभी भी व्यापार करता हुआ है। तो सोचने लग जाता है, मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे जिएगी, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे जिएंगे, मेरे पौत्र मेरे बिना कैसे जिएंगे, और मेरा व्यापार कौन देखेगा?
पहले 2-3 घंटे उसके मन में बस यही विचार चलता है कि वैसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मेरे बाद क्या होगा, धन का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, क्या बच्चे अभी इतने लायक हो गए हैं कि अपने पैरों पर खड़े रह सकें, मेरी बीवी को कौन पूछेगा, क्या उसका कोई ध्यान रखेगा। ये चिंताएं उसको घर कर लेती हैं। धीरे 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 कुछ घंटे बीतने के बाद उसको एक बोध होना शुरू होता है। वो स्वयं से सोचता है कि अब तो जो हो चुका वो हो चुका, और जो होना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता, परंतु क्या मैंने अपने जीवन में इतना कच्चा किया कि ऊपर जाके जब मेरी सुनवाई होगी मैं अपना सर उठा के बात कर सकूं। इस विषय में वो विचार कर रहा होता है और देखता है कि जीवन में उसने अत्यंत एक भोग वाला जीवन व्यतीत किया। जब तक इंद्रियों ने साथ दिया भोग करता रहा, जब मन किया खा लिया, जब मन किया पी लिया, जब मन किया सो लिया, जब मन किया वस्त्र पहन लिया, जब मन किया क्रोध कर दिया, और सोचता है कि अच्छा मैंने जीवन में क्या क्या अच्छा किया। तो सकाम भाव से तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, परंतु निष्काम भाव से तो बहुत ही कम कर्म किए थे। ना कोई विशेष यज्ञ किए थे, ना तप किया था, ना दान किया था, ना ही निष्काम कर्म किए थे। जब जब किसी की सहायता की वो उसमें स्वयं का स्वार्थ था, चाहे वो इतना सा हो कि व्यक्ति मुझे बाद में प्रतिष्ठा दे, मान दे, या इतना सा हो कि व्यक्ति इसके बदले मुझे कुछ दे। तो इस चिंतन में रहते रहते उसको 8-10 घंटे बीत जाते हैं। उसको बोध होता है कि मेरे साथ तो कोई जाने वाला है नहीं, ना ही ये धन मेरे साथ जाएगा, ना ही मेरा परिवार मेरे साथ जाएगा, ना ही मेरे पुत्र ना पौत्र, कोई भी मेरे साथ तो नहीं जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा सा देख ही लिया जाए कि ये मुझे वास्तव में कितना प्रेम करते हैं। तो वो सब परिवार वालों को इकट्ठा कर लेता है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बेटी बहुएं सब आ जाती हैं। उनसे बोलता है कि आज मैं एक सिद्ध महात्मा के पास गया था, उस सिद्ध महात्मा ने मुझे बताया कि आज से 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु है। तो सभी बहुत उच्च स्वर में विलाप करना शुरू कर देते हैं, रुदन करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। सभी बताते हैं कि पिताजी हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो उसके उसको भी अपार कष्ट होता है, उसके हृदय पर अपार आघात होता है मोह का, ये जानकर कि ये लोग तो वास्तव में ही मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना ये कैसे जिएंगे। क्योंकि मृत्यु का भय यही होता है ना, मृत्यु का भय मृत्यु के आने का भय नहीं होता, मृत्यु का भय होता है जीवन के जाने का भय, छूट जाएगा इस चीज का भय होता है, एक नई चीज आएगी उसका भय नहीं है, एक अनजान वस्तु आएगी उसका भय नहीं है, जो है मेरे पास वो नहीं रहेगा इसका भय है। तो कुछ घंटे जब बीत जाते हैं वो सबसे बोलता है क्यों ना तुम भोजन कर लो, सब लोग, मेरी तो भूख नहीं है। तो सभी बोलते हैं पिताजी हमारी भी भूख मर चुकी है, हमको भी भोजन नहीं नीचे उतरेगा, आप अपने जाने की बात कर रहे हैं, आप हमारे जीवन का आधार हैं और आप बात कर रहे हैं कि भोजन कर लो। तो मन ही मन में उसे एक खिन्नता और प्रसन्नता दोनों होती है कि मुझे जाना है, इनको छोड़ना है, इस बात की खिन्नता है, इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अब आती है परीक्षा की घड़ी। वो सबसे बोलता है वो सिद्ध महात्मा ने मुझे एक गुटिका दी है, मुझे एक ऐसी गुटिका दी है जिससे कि मेरी मृत्यु टल सकती है। तो सभी अत्यंत अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं पिताजी ये तो बहुत उत्तम बात है।
तो आप गुटिका को क्यों नहीं रख लेते मुख में, क्यों नहीं धारण कर लेते उसको? वो बोलता है नहीं, इतना सरल नहीं है, मुझे और जीवन मिल सकता है परंतु उसके बदले में किसी और को जीवन देना होगा। तो मुझे बताओ तुम में से कौन अपने थोड़े से वर्ष मुझे देने के लिए तैयार है? 5, 7, 10, 8 जो भी तुम दे सकते हो वो दे दो, वो वर्ष मेरे खाते में आ जाएंगे। तो पहले तो सभी बोलते हैं कि हम दे देंगे पिताजी। फिर इस बात पर प्रत्येक व्यक्ति चिंतन शुरू करता है। पुत्र बोलता है मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी का पालन करना है, मेरी तो बीवी भी घर पे रहती है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, तो इसलिए मैं तो पिताजी अपने वर्ष नहीं दे सकता, परंतु आपके जाने के पश्चात मैं आपकी गति अवश्य कराऊंगा ढंग से और माँ का पूरा ध्यान रखूंगा, उसकी आप चिंता मत करें, व्यापार को भी देखूंगा। तो दूसरा पुत्र बोलता है पिताजी मेरी तो पत्नी बहुत बीमार रहती है, आप जानते ही हैं, यदि मैं चला गया तो पीछे से भी ध्यान नहीं रख पाएगी बच्चों का, इसलिए मैं भी नहीं दे सकता। बेटी बोलती है पिताजी मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं परंतु मेरे पति को मेरी बहुत आवश्यकता है, तो मैं भी नहीं दे सकता, और वैसे भी यदि आप मुझसे कुछ लेंगे तो शास्त्र में यही लिखा है कि आपको पाप लगेगा। तो पिता उस बात को सुनता रहता है। उसकी पत्नी पास में आती है, बोलती है यदि मैं ही नहीं रही तो आपको रोटी कौन बना के देगा, इसलिए मेरा जीवन लेकर क्या करेंगे, आप तो अपने कपड़े भी स्वयं नहीं धोते, सब कुछ तो मैं ही करती हूं, इसलिए बाप की आयु हो ही गई है, इसलिए आप शांत मन से ईश्वर की ओर चिंतन करते हुए प्रेम से जाएं, जीवन को पकड़ने की लालसा मत करें। तो बहुत ही विस्मित हो जाता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, मैं तुम सबसे सुबह मिलूंगा। सबको भेज देता है अपने कमरे में, वापस बैठ जाता है और चिंतन शुरू करता है कि मैंने जीवन पर्यंत किसके लिए अपना जीवन गला दिया, इनके लिए जिनका प्रेम 2 मिनट में उतर गया बुखार की भांति, कहीं मैंने अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं कर दिया। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने इतना धन कमाया, सब प्रकार की अवस्थाएं देखी, इतनी समृद्धि इतनी संपत्ति देखी, परंतु उसको सत्कर्म में नहीं लगाया, भोग में लगा रहा, इनको ही अपना मानता रहा, परंतु वास्तव में क्या ये मेरे हैं, और यदि है भी तो कितने हैं, और यदि पूर्ण रूप से भी हैं तो क्या मेरे साथ जा सकते हैं? जिनके लिए मैंने पाप कर्म किया, जिनके लिए पाप के आचरण को ध्याया, जिनके लिए कुकर्म किया, क्या वो मेरे साथ जाएंगे? ऐसा चिंतन करते हुए उसे कुछ घंटे और व्यतीत हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह उसके परिवार वाले उसके पास दोबारा आते हैं और भोजन लेके आते हैं, नहीं पिताजी आप भोजन कीजिए, आज आप अच्छा भोजन कीजिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में आपको जाना है, इसलिए आप हमारी चिंता मत करें, हम ठीक हैं, आप ईश्वर में चिंतन लगाएं। वो और भी अचंभित होता है उनका ये झूठा ये दिखावे वाला प्रेम देखकर। भोजन करता है, उसको असीम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मन में कि कितना बेकार संसार है। एक दिन बीत जाता है, एक दिन और बीत जाता है, ऐसे करते हुए 4 दिन के बाद पुत्र बहू बेटियां सब आ जाते हैं, बोलते हैं पिताजी अब आपको जाना तो है ही, वो तो सत्य है ही, सबको एक दिन जाना तो है ही, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी वसीयत लिख जाएं, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, दिक्कत ना आए, कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, इसलिए आप अगर बंटवारा कर जाएं ढंग से तो उचित हो जाएगा,
सबके जीवन में एक सुकून रहेगा। तो वो सोचता है मैं यहां मर रहा हूं, इनको बंटवारे की पड़ी है। तो बड़े भारी मन से बोलते हैं ठीक है रख जाओ, मैं आज रात को वसीयत लिख दूंगा। वसीयत लिख देता है। अगले दिन सब वसीयत पढ़ते हैं, कोई खुश होता है, कोई कम खुश होता है, कोई बहुत खुश होता है, कोई बिल्कुल खुश नहीं होता। कोई सोचता है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, कोई सोचता है मुझे कम मिला है, उसको ज्यादा मिला है। वसीयत लिखने के बाद बेटी आती है, सबसे पहले बोलती है पिताजी मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। पिता मन में सोचता है अरे सबसे बड़ी परीक्षा तो मेरी ही चल रही है। बोलती है इसलिए पिताजी मुझे तो जाना है, अगर ये फेल हो गए तो एक साल बच्चों का खराब हो जाएगा। मैं आपको यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ, हाँ जब चौथा होगा या छठी या तेरहवा जो भी होता है उस समय मैं अवश्य आ जाऊंगी। तो पिता की आंखों में से आंसू निकल पड़ता है, बोलता है हाँ बेटी तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, यहाँ पे और लोग हैं ही। चला जाता है, बेटी चली जाती है। पुत्र आते हैं, एक बोलता है पिताजी मुझे भी अब आज काम पर जाना चाहिए, चार दिन हो गया मैं काम पर नहीं गया, ऑफिस में दिक्कत हो जाएगी। वो भी चला जाता है। दूसरा बेटा आता है, बोलता है पिताजी दुकान कौन देखेगा, चार दिन से बंद पड़ी है। वो दुकान देखने चला जाता है। पत्नी रह जाती है घर पे, पत्नी उसके पास आती है कुछ घंटों के बाद भोजन लेके, बोलती है कि आपने वसीयत में सबके लिए छोड़ दिया, परंतु फलां फलां आपने एक धन की बात की थी जो आपके पास पड़ा है, जिसकी आपको महीने के महीने कुछ कमाई आती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल को बच्चे मुझे पूछे ना पूछे मुझे अपना जीवन तो देखना ही है। तो वो उसको उसके बारे में बता के बोलता है अब तू जा यहां से, पत्नी को बोलता है तू जा, अब मेरे पास मत बैठ, मुझे एकांत में बैठना है, अब तुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो मैंने दे ही दिया सबको। भेज देता है उसको। फिर चिंतन करता है कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, उसका मैं दान कर देता हूं। अपनी तिजोरी खोलता है। शाम का वक्त हो जाता है, सुपात्र जो होते हैं दान के लिए उनको बुला लेता है। पुत्रों को पता चलता है, पत्नी को पता चलता है, तो उसका हाथ रोक देते हैं, बोलते हैं तुम पैसा लुटाने पर लगे हुए हो, तुम्हारे जाने के बाद हम स्वतः ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दान कर देंगे, एक बार में तुम भावुक होकर ऐसे पैसे को मत लुटाओ। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती, जैसे उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। मन में सोचता है कि मेरे पुण्य कर्म के बारे में ना विचार कर ये लोग पैसे के बारे में विचार कर रहे हैं, तो बहुत कष्ट में हो जाता है। बोलता है जो किसी ने मुझे रोका तो हाथ काट दूंगा आज उसका, मुझे दान करना है, मुझे जीवन में कुछ सत्कर्म कर ही ऊपर जाना है। कुछ पैसा दान कर देता है, कुछ अपने पास रख के आभूषण और धन अपने गुरु के पास चला जाता है, उस सिद्ध महात्मा के पास चला जाता है जिन्होंने उनसे बोला होता है। इस बात को 6 दिन बीत जाते हैं, कल 7वां दिन आने वाला होता है, उनके पास चला जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है, दंडवत प्रणाम करता है, बोलता है महाराज जी मुझे आज यहीं अपना दिन बिताना है, यहीं रात्रि बितानी है, आपने बोला था 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, कल सुबह मेरी मृत्यु है, तो मैं चाहता हूं मैं आपके श्री चरणों में ही रहूं जिस समय मेरे मृत्यु का समय आए। तो वो संत होते हैं, बोलते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। सारी रात वो ईश्वर चिंतन में लगाता है, भजन कीर्तन में लगाता है, ईश्वर सत्संग में लगाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे का समय हो जाता है, उसकी मृत्यु का समय हो जाता है, अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है। 10 बज जाते हैं परंतु उसको मृत्यु नहीं आती। 10:15, 10:30, 11, 12, जब 12 बज जाते हैं, 2 घंटे मृत्यु के पार हो जाते हैं, उसने तो सुना था काल एक क्षण भी कभी भी असमय से नहीं आता, अपने नियमित समय पर ही आता है। तो गुरु से पूछता है
महाराज मेरी मृत्यु नहीं हुई, ये आपका चमत्कार है क्या? वो बोलते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है अनुज। बोलता आदेश महाराज। बोलते पिछले 7 दिन में तुमने क्या क्या किया? वो बोलता पिछले 7 दिन में मैंने अपने जीवन पर विचार किया, अपनी धन संपत्ति को बांटा, कुछ तप में लगाया, कुछ दान में लगाया। और क्या किया तुमने? मैं अपने परिवार वालों से मिला, उनको बैठ के समझाया। और क्या किया? चिंतन किया। उसमें क्या जाना? जाना कि मुझे वास्तव में कोई प्रेम नहीं करता। अच्छा, तो तुमने सुखों का भोग नहीं किया? तुमने उत्तम प्रकार के, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के पदार्थों को नहीं खाया? अपनी पत्नी के साथ संसर्ग नहीं किया? बोला नहीं महाराज, वो तो मेरे जहन में ही नहीं आया, वो तो मेरे उसका तो विचार भी नहीं आया मेरी बुद्धि में। बोले ऐसा क्यों? जो तुमने 60 वर्ष किया अपने जीवन के, अब क्यों नहीं किया? 7 दिन में क्यों नहीं किया? बोले महाराज, मुझे मृत्यु दिख रही थी अपनी, मुझे मेरा सत्य दिख रहा था महाराज, इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया। बोले 7 दिन तुम्हें मृत्यु याद रही और तुम्हें इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया? वो बोले महाराज, मुझे अपना सत्य दिख रहा था, मैं नहीं जानता ये वैराग्य कहाँ से आ गया, पर मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार से भी कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार हैं, सबको धन चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, सबको केवल पैसा चाहिए, सबको सुख चाहिए, किसी को मैं नहीं चाहिए था। मैं सोचता था ये मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु ये मुझसे प्रेम नहीं करते थे। तो साधु बोलते हैं, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मैं वैराग्य में कैसे स्थित रहता, तुमने मुझसे पूछा था क्या मेरा मन नहीं करता संसार के सुखों को भोगने का? बस मुझे तो इसी का उत्तर देना था तुमको। तुमने 7 दिन मृत्यु को याद रखा और तुम में इतना वैराग्य आ गया। मैं हर समय मृत्यु को याद रखता हूं, बस इतना सा अंतर है। मृत्यु, अधिकतर मनुष्य बहुत भयभीत होते हैं मृत्यु के डर से, मृत्यु का विचार उनको भयभीत कर देता है। परंतु मृत्यु क्या है? मृत्यु तो एक बहुत सुंदर चीज है, एक पड़ाव है, एक छोटा सा, एक यात्री चलते हुए जहां थक कर बैठ जाता है उसके बाद फिर चल पड़ता है, आपकी यात्रा में मात्र एक छोटा सा पड़ाव है, बस अंत नहीं है ये। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देह कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा में जाती है, बुढ़ापे में जाती है, उसी प्रकार जब देह का अंत हो जाता है मनुष्य को नई देह प्राप्त हो जाती है। आत्मा तो अच्छेद्य है, अदाह है, अच्छेद्य में दाह क्लेद्य शोष्य एवच नित्य सर्गद स्थान रचलो एवं सनातन। आत्मा तो सनातन है, उसका नाश नहीं होता, ना उसका छेदन किया जा सकता है, ना उसको गलाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। तो नाश तो केवल शरीर का होता है। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहे। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो मृत्यु से तो मूढ़ घबराता है, जो मृत्यु को नहीं जानता वो मृत्यु से घबराता है। जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है उससे हमें भय होता है। जब हमको ज्ञान हो जाता है तो भय स्वतः ही चला जाता है। मान लीजिए एक सांप हो, आपको नहीं पता ये जहरीला है या नहीं, जब तक आपको इस बात का नहीं ज्ञान तब तक आपको सांप से भय रहेगा, यदि मुझे डस दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु यदि आपको बता दिया जाए कि वो सांप जहरीला नहीं है तो आपका भय बहुत कम हो जाएगा। अभी भी उसके काटने का, उसके डसने का भय तो रहेगा, परंतु अत्यंत कम हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का भय चला गया है। फिर आपको यदि ये बता दिया जाए जिस सांप की ओर आप देख रहे हैं वो तो मर चुका है, फिर आपका सारा भय चला जाएगा।
क्यों क्यों अब आप में ज्ञान आ गया है, ये ज्ञान आ गया है कि ये जो मैं जिसको देख रहा हूं वो मेरी मृत्यु का कारण नहीं है। जब तक अज्ञानता है तब तक मृत्यु का भय रहता है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तप करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। कभी आपने विचार किया है ऐसा क्यों है, क्यों करना चाहिए यज्ञ, क्यों करना चाहिए तप? योगिक क्रियाओं से ऐसा तो संभव है कि आप अपना पूर्व जन्म देख सकें, क्या ऐसा भी संभव है कि आप अपने आने वाला जन्म देख सकें? इसको मैं नहीं जानता। हाँ, पूर्व जन्म देख सकते हैं, उसकी क्रिया है, जितना पीछे चाहे जा सकते हैं। तो मृत्यु के बाद मोक्ष क्या है ये मैं नहीं जानता। इसके ऊपर शास्त्रों में तो कई प्रकार के विचार लिखे हुए हैं, परंतु मेरा स्वयं का प्रत्यक्षीकरण कुछ नहीं है उसके ऊपर। मैं तो इतना जानता हूं कि जीवन जीवित अवस्था में जो मोक्ष प्राप्त करता है वही मृत्यु के बाद मोक्ष का अधिकारी है। अगर मृत्यु के बाद कोई मोक्ष है तो तेतम भुक्त्वा सुरलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ने गतागतम न काम काम लभन्ते। फिर वो मनुष्यों की बात करते हैं जिन्होंने यज्ञ तप दान किया है। ठाकुर जी बोलते हैं कि फिर वो अपने सुख का स्वर्ग लोक में भोग करते हुए जब जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेते हैं। तो स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पृथ्वी से परे कोई स्वर्ग या नर्क है मैं नहीं जानता, परंतु पृथ्वी पर तो अवश्य है। एक प्रसन्न मन ही स्वर्ग है, एक अप्रसन्न मन, एक दूषित मन ही नर्क है। तो प्रश्न मैंने आपसे ये किया था कि क्यों आवश्यक है एक अच्छे जीवन को व्यतीत करना। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्य यत्र संशय। जो अंतकाल में अर्जुन मेरा ध्यान करता है, मेरा ध्यान करते हुए शरीर को त्यागता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मान लीजिए आपने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, सब रंग उसमें बहुत सुंदर रंग से बिछाए, फिर अंत में जाके आपने उसके ऊपर काला रंग डाल दिया, तो क्या वो चित्र चित्र रहेगा? क्या जो एक समय एक क्षण पहले तक जो दिख रहा था वो दिखेगा, या जो काला रंग है वो दिखेगा? अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि काला रंग ही दिखेगा। जो आपने अंत में कर दिया उसका प्रभाव तुरंत ही प्रकट रहेगा उसके ऊपर। यम यम अभी स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमे विति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। मनुष्य शरीर का त्याग करते हुए जिस भाव में स्थित होता है, अर्जुन श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वो सदा उस भाव में ही स्थित रहता है। यदि चित्र वाले उदाहरण को आप अपनी बुद्धि में धारण करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो आप पाएंगे कि यही सत्य है, ऐसा ही होता है। जो अंत में आपका भाव रहेगा उस भाव के आधार पर आपको अगला गर्भ प्राप्त होने वाला है, अगली योनि प्राप्त होने वाली है, अगला जन्म प्राप्त होने वाला है। क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? नहीं, मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, परंतु आप स्वयं अपने पूर्व जन्म में जाकर देख सकते हैं, जिस समय आपने शरीर त्यागा पुराना, उस समय जो भाव चल रहा था उसको देख सकते हैं। यदि आसन की स्थिरता पा सकते हैं तो यह संभव है। क्रिया आपको मैं बता सकता हूं। तो जिसने सारा जीवन सुखों का भोग किया हो, जिसने सारा जीवन एक कामी पुरुष का जीवन व्यतीत किया हो,
जिसने सारा जीवन भक्ति ना की हो, जिसने सारा जीवन यज्ञ ना किया हो, तप ना किया हो, दान ना किया हो, उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है अंत काल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लीन करना, क्योंकि उसकी चित्त की वृत्ति नहीं है। इसलिए जिसने जीवन पर्यंत इसका अभ्यास किया है उसके लिए सुलभ है, क्योंकि उसके लिए सुलभ है तो उसका ईश्वर को याद करना अंतकाल में आसान हो जाता है। क्रिकेट का मैच होता है ना, अंतिम गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी जिसके जिसमें आत्मविश्वास है, जिसका स्वयं पर नियंत्रण है, उसकी उम्मीद, उससे एक उम्मीद लगाई जा सकती है, उसे एक आशा की जा सकती है कि शायद वो छक्का मार दे। परंतु जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, जिसने जीवन में कभी अभ्यास नहीं किया, उसका छक्का मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। बस इतना सा गणित है। जो जीवन पर्यंत आप ईश्वर के चिंतन में थोड़ा 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 समय लगाते रहेंगे तो अंत काल में मृत्यु का भय होने की बजाय आपको ईश्वर का चिंतन बचा लेगा। आप ईश्वर के चिंतन में डूब जाएंगे, तो ईश्वर के चिंतन में डूब जाएंगे तो ईश्वर के हो जाएंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्ता योग बलेन चैव ब्रूवर मध्य प्राणम अवश्य समग सयाति परमाम गतिम। जो अंत काल में अपने योग के बल पर, अपने अभ्यास के बल पर अपने प्राणों को अपने भ्रुकुटी में स्थित कर देते हैं, वो मुझ में विलीन होते हुए मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो जीवित अवस्था में आपको मृत्यु के बारे में याद रखना है तो जीवन आसान हो जाएगा, अपने आप एक सत्कर्म करने की प्रेरणा मिल जाएगी, कुछ संघर्ष नहीं रह जाएगा, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा सत्कर्म करने का, क्योंकि आप सत्य को जान जाएंगे। और मृत्यु के समय आपको उस में एक होना है, उस आनंद में एक होना है, बिंदु से सिंधु बनना है, तो आने वाले जन्म में कोई संघर्ष नहीं रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फिर वही जन्म, फिर वही मरण, फिर जननी के उदर में जाना, 9 महीने उस गर्भ में रहना, ये चक्कर तो चलता रहेगा। हे ईश्वर, ये संसार तो बहुत दुस्तर है, मुझे मुझे पार लगा दो। मुझे हंसी आती है ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, पार लगा दो, पार लगा दो। पार कहीं नहीं जाना है हमको, तो अस्तित्व को खोना है, डूबना है, तैरना नहीं है। परंतु इसमें शंकराचार्य जी का भाव है कि मैं संसार में नहीं रहना चाहता प्रभु। नलिनी दलगत सलिलम तरलम तद्व जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याध अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद छोड़ दी जाए और भागती चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यदि अपने आसपास देखें तो क्या देखेंगे कि या तो किसी को रोग है, या शोक है, या अभिमान है, इसी में से तो सारा संसार ग्रस्त है। ऐसे क्या करना है ऐसे संसार से, क्यों इनके साथ अपना दिमाग खपाना, अपना समय बर्बाद करना। तो वो प्रत्येक वस्तु जिसका आपको अभिमान है, जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है, वो तो एक क्षण में अलग कर दिया जाओगे उससे। तो इसमें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई संशय नहीं है। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेश तत्काल सर्वम माया मयम इदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पद त्वम प्रविश विदित्वा। जो प्रत्येक वस्तु, जो आप चाहे वो धन हो, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, चाहे संपत्ति हो, हरति निमेशत काल सर्वम। काल जो है ना, जितना समय आंख झपकने में लगता है, उनमें निमेश जिसको बोलते हैं, उतने समय में काल उसको हर लेगा। ऐसी वस्तु को पकड़ना ही क्यों, ऐसी वस्तु के पीछे भागना ही क्यों जो हमारी कभी हो ही नहीं सकती। क्या लाभ, आप समझ रहे हैं ना, उससे केवल कष्ट की प्राप्ति होगी, उससे केवल दुख की प्राप्ति होगी। ये जो द्वंद है, आशा जहां है वहां उसका दूसरा पहलू निराशा तैयार ही खड़ा है।
सिक्के के दूसरी ओर चाहे कुछ ना छपा हो, फिर भी सिक्के के दो ही पहलू रहेंगे हमेशा। यही आपको याद रखना है। जो मृत्यु को याद रखेंगे तो जीना सीख जाएंगे, जो मृत्यु को नहीं भूलेंगे तो सत्कर्म की प्रेरणा अपने आप मिलती रहेगी, सत्कर्म अपने आप होता रहेगा। एक पुराणों में कथा आती है, एक बहुत तपस्वी ऋषि हुए थे, उनका नाम था जड़ भरत। जंगल में उनका एक आश्रम था। एक बार नदी किनारे वो सुबह शौच के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक हिरणी घबराई हुई नदी को पार करने का प्रयत्न कर रही है। जैसे ही वो नदी की ओर छलांग लगाती है, जिस तरफ ऋषि बैठे होते हैं, उसके गर्भ में से एक बच्चा गिर पड़ता है। वो हिरणी गर्भवती थी, बच्चा गिर पड़ता है और बच्चे को जन्म देकर वो हिरणी अपना दम तोड़ देती है। तो ऋषि उस बच्चे को उठा लेते हैं करुणावश, संतों का स्वभाव होता है करुणा, उस बच्चे की देखरेख शुरू कर देते हैं, उसको बड़े प्रेम से दूध पिलाते हैं गैया का। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो हिरण भी ऋषि से अत्यंत प्रेम भाव में स्थित रहता है और कभी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो समय आता है, ऋषि अपने योग की शक्ति से देखते हैं कि मेरा शरीर त्यागने का समय आ रहा है, मुझे अब देह का त्याग करना है। उस समय वो इस विचार में पड़ जाते हैं कि इसके बाद इस हिरण का कौन ध्यान रखेगा। अभी तो मैं गाय को दूध देता हूं और इसको दूध दे देता हूं, बाद में इसको कौन देगा, घास कौन देगा, दूध कौन देगा? और यदि किसी शेर ने आकर इसको खा लिया तो क्या होगा? इस चिंता में वो पड़े होते हैं कि काल का समय हो जाता है, शरीर त्याग हो जाता है। तो जैसा कि उस पुराण में वर्णन आता है, क्योंकि अंत समय पर उनके मन में वो हिरण का भाव था, वो मृग का भाव स्थित था, दृढ़ था, उसी पर वो चिंतन कर रहे थे। इसके चलते हुए उनको एक दोबारा नई योनि में जन्म लेना पड़ता है, जो कि एक हिरण की योनि होती है। परंतु सत्कर्मों के प्रभाव से, तप के प्रभाव से उनको अधिक समय उस योनि में नहीं रहना पड़ता और वे किसी साधु के पास ही जाकर जन्म लेते हैं। सत्संग के प्रभाव से उनका जीवन मुक्त हो जाता है, उनका योनि से मुक्त हो जाते हैं जल्दी ही। परंतु कहने का अर्थ है कि यदि आप अंत समय में किसी संसारिक विचार में स्थित रहेंगे तो वैसा ही जीवन आपका आगे होने वाला है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो जीवन में ऐसा जीवन जिए कि मृत्यु के समय आपको कष्ट ना हो, मृत्यु के समय आपको स्वयं की देह से प्रेम ना हो, मोह ना हो, ताकि आप सत्य को जान सकें, सत्य का बोध कर सकें और एक आनंद में स्थित होकर अपने शरीर का त्याग कर सकें। जब तक अज्ञान है तब तक शरीर का त्याग काल की इच्छा से होता है, परंतु जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जब योग से कि आप कुछ क्रियाएं सिद्ध कर लेते हैं, तो आप जब चाहें आप शरीर का त्याग कर सकते हैं, जब चाहें अपनी हार्टबीट बंद कर सकते हैं। ये किताबों की बात नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं और करता हूं और जब मन करता है हृदय की गति बंद कर सकता हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो वेदों में लिखा है वो संभव है, आप चाहें तो इसकी परीक्षा ले सकते हैं। और इसके लिए पूरा जीवन नहीं चाहिए, ये क्रिया 2-3 साल में कोई भी मनुष्य सिद्ध कर सकता है। सोचिए फिर आपको स्वयं के शरीर का बोध कैसा हो जाएगा, कैसा प्रतीत होगा स्वयं का शरीर, जब वास्तव में ही वस्त्र की भांति आप जब चाहें इससे बाहर जा सकते हैं। फिर आपको सदैव स्मरण रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से शुद्ध, आत्मा से परे शुद्ध तत्व हूं, अहम ब्रह्मस्मि, सो अहम, वो मैं ही हूं, उसका बोध हो जाएगा।
उसका ज्ञान हो जाएगा, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो किसके लिए चेष्टा करनी है? जब ये जिसके अंदर हम स्थित हैं, जिसका हम 24 घंटे ध्यान रख रहे हैं, जिसको सुला रहे हैं, जिसको खिला रहे हैं, जिसको पिला रहे हैं, जिसको धुला रहे हैं, धो रहे हैं, नहला रहे हैं, वही हमारा नहीं है तो संसार हमारा क्या होगा? इसका स्मरण रखना है तो मृत्यु आपको बहुत सुंदर प्रतीत होने लगेगी। वो सब चीजें जो आप इस जीवन में नहीं कर पाए वो अगले जीवन में कर सकेंगे, यदि जीने का ही शौक है तो। यदि मोक्ष की इच्छा है तो उसकी प्राप्ति तो बहुत ही आसान है। तो ये चुनाव तो आपको करना है, भय में स्थित होकर जीवन को जीना है या मृत्यु को समझना है, ये तो आपके ऊपर है। जो सत्य का बोध होगा तो भय स्वतः ही चला जाएगा। जब मृत्यु को स्मरण रखेंगे तो जीवन जीना सीख जाएंगे। मैं कहाँ से आया हूँ जब इसको याद रखेंगे, मुझे कहाँ जाना है, तो फिर वो सोचकर विचलित नहीं होंगे। बस यही मुझे बोलना था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरि ओम तत्सत्।